हेलो, वेलकम टू माय चैनल कुक विद बिस्मा। आज हम बनाएंगे टमाटर मशरूम। सबसे पहले हम मशरूम्स को फ्राई करेंगे। हम मशरूम्स को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। मशरूम्स हमारी फ्राई हो गए हैं। अब मैं प्याज फ्राई करूंगी। इन्हें भी हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज भी हो गए हैं। अब हम इनमें टमाटर जो है, जिन्हें मैंने फाइनली चॉप करके रख दिया था, वो ऐड करेंगे। ये लीजिए, ये हो गए हमारे टमाटर भी। अब हम इन्हें मिक्स कर देते हैं। इसमें मैं नमक के 1.5 चम्मच ऐड करूंगी। और इसकी लिड बंद कर देंगे जब तक इसका पेस्ट नहीं रेडी हो जाता। हमारे टमाटर जो है लगभग 80% रेडी हो गए हैं। लीजिए, अब हमारे टमाटर जो है, इनका पेस्ट जो है वो रेडी है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। मैंने हल्दी का 1 चम्मच ऐड किया। अब लाल मिर्च के मैं 2 चम्मच इसमें ऐड करूंगी। अदरक, जीरा और कोरिएंडर पाउडर जो है, उनको मैंने मिक्स करके रख दिया था, जो मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। इन्हें मिक्स दे देते हैं और मसाले को अच्छे से भुनेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही तेल सरफेस आउट होने लगे तो हम इसमें मशरूम ऐड कर देंगे। तेल जो है वो सरफेस आउट हो रहा है। अब हम इसमें मशरूम ऐड करेंगे, जिन्हें हमने पहले ही फ्राई करके रख दिया था। अब हम इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन्हें पकाएंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक। लीजिए, हमारे टमाटर मशरूम रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी लिंक।